हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत पाक सीमा पर बसे सरहदी बाड़मेर में जोधपुर एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक एएसआई के दो दलों को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फिलहाल जोधपुर एसीबी टीम एएसआई मगन खान से भी पूछताछ कर रही है। एसीबी डीआईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई के सुपरविजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी भोपाल सिंह लखावत के नेतृत्व में निरीक्षक अमरा राम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि दलाल इमित्र संचालक तारा राम मगन खान के लिए मुकदमे से नाम हटाने को लेकर रिश्वत ले रहा था। जानकारी के मुताबिक परिवादी के पुत्र व उसके भतीजे के विरुद्ध धोरी मन्ना पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज है, जिसकी जांच एएसआई मगन खान द्वारा की जा रही थी। परिवादी मुकदमे में अपने पुत्र श्रवण कुमार का नाम निकालने के लिए एएसआई मगन खान व दलाल तारा राम से मिला। तारा राम ने परिवादी से उसके पुत्र श्रवण कुमार का नाम मुकदमे से निकलवाने के लिए 50,000 रुपए की मांग की। इस पर परिवादी में जोधपुर एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई। जोधपुर एसीबी टीम ने सत्यापन करवाकर कार्रवाई शुरू की। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए अमरा राम खोखर निरीक्षक एसीबी जोधपुर ग्रामीण इन्होंने ये कहा। सर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस थाना धोरी मीना पर एक मुकदमा नंबर 337/2021 दर्ज हुआ था, जो 8 अक्टूबर को दर्ज हुआ था। उसका अनुसंधान पुलिस थाना के सहायक उप निरीक्षक मगन खां के द्वारा किया जा रहा था। मगन खां के द्वारा इसके अंदर परिवादी जो पुत्र है श्रवण राम, उसका नाम निकालने के लिए अपने दलाल तारा राम के मार पर 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। तारा राम या थाने के पास ई मित्र संचालक एक है, जो यहाँ ई मित्र की दुकान चलाता है, और उसने परिवादी से मुकदमे का नाम अपने पुत्र का नाम निकलवाने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की। इसमें दलाल तारा राम और बीरबल राम को गिरफ्तार किए गए। एएसआई मगन खान से पूछताछ जारी है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।